यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय एक हिल्कियाह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामिनी देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमून के पुत्र यहूदा के राजा योशियाह के दिनों में अर्थात उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। फिर योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकिम के दिनों में भी और योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकियाह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी अर्थात जब तक उस वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न गए तब तक प्रकट होता रहा। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया था और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं बच्चा ही हूं। यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझको कहने की आज्ञा दूं वह तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे संग हूं, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन गिराने और ढा देने और नाश करने और काट डालने के लिए और बनाने और रोपने के लिए तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, बादाम की एक टहनी मुझे दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक रहता हूं। फिर यहोवा का वचन मेरे पास दूसरी बार पहुंचा और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है जिसका मुंह उत्तर की दिशा की ओर से है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यहोवा की यह वाणी है कि मैं उत्तर दिशा के राजा और कुलों को बुलाऊंगा और वे आकर यरूशलेम के फाटकों में और उसके चारों ओर की शहरपनाह और यहूदा के ओर सब नगरों के सामने अपना अपना सिंहासन रखेंगे और उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, इसलिए कि उन्होंने मुझको त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ मैंने तुझको कहने की आज्ञा दी वही उनसे कहना। तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा न हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं, क्योंकि सुन, मैंने आज तुझको इस सारे देश और यहूदा के राजाओं और हकीमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं बचाने के लिए तेरे संग हूं, यहोवा की यही वाणी है।